नागर मगरे की चारणी माता मेवाड़ में इष्ट देवी के रूप में मानी जाती थी। राजघराने में उनकी कुछ अधिक ही मान्यता थी। आम धारणा थी कि चारणी माता अपनी पुजारिन के माध्यम से सच्ची भविष्यवाणी करती है। नवरात्रों में माता का आशीर्वाद और भविष्य जान लेने की इच्छा से हजारों भक्त जुट जाते थे। राज परिवार से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए माता चारणी हर समय उपस्थित हो जाती थी, जबकि जनसाधारण को विशेष अवसरों पर ही यह शुभ लाभ प्राप्त होता था। उनके द्वारा वर्षा, कृषि और भावी संकट पर की गई भविष्यवाणियां प्राय सत्य सिद्ध हुई थी। कुंवर पृथ्वीराज और संग्राम सिंह चुक की राजकुमार थे, तो मंदिर की पुजारी ने जैसे ही उन्हें आते देखा तत्परता से मंदिर के द्वार खोल दिए। दोनों राजकुमारों ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कुछ क्षण माता की स्तुति करके वे मंदिर में प्रवेश कर गए। वहां चारणी माता की एक मूर्ति स्थापित थी और सामने हवन कुंड था। बीच में एक आसन बिछा हुआ था जिस पर माता की पुजारिन बैठती थी। अन्य तीन दिशाओं में भी तीन आसन थे जिन पर प्रसन्नकर्ता बैठते थे। दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। कुछ क्षण बाद पुजारिन आई और अपने आसन पर बैठ गई। पुजारिन ने नेत्र बंद करके कुछ बड़बड़ाना आरंभ किया और धीरे धीरे उसका शरीर झूमने लगा। यह संकेत था कि चारणी माता ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। दोनों राजकुमारों ने नतमस्तक होकर चरण स्पर्श किए। कुमारों, चिंता त्याग दो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न उल्का, न पिंड और न शत्रु न मित्र इस राजकुमार का कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। पुजारिन के मुख से कृपालु स्वर निकले, उन्नति और विस्तार ही इसका भविष्य है। माता, कुंवर पृथ्वीराज ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, आपकी कृपा से मेवाड़ का ऐसा ही सुखद भविष्य रहेगा, यह हमारा विश्वास है। परंतु इस समय हमारा प्रश्न मेवाड़ के भावी महाराणा के विषय में जानने का है। हम दोनों भाई इस सवाल में उलझ गए हैं कि हम में से कौन मेवाड़ का शासक बनेगा, पारंपरिक अधिकारी अथवा जनप्रिय राजकुमार। पुत्रों, शासन का प्राण तो जन ही होता है। जन जिसे प्रिय कहे वही उनका शासक हो तो प्रजा में खुशहाली और राज्य में उन्नति होती है। माता, हमें स्पष्ट भविष्य जानने की इच्छा है, कुंवर पृथ्वीराज व्यग्रता से बोले। मेवाड़ का भावी शासक, पुजारिन के वरद हस्त कुंवर संग्राम सिंह के सिर पर टिके तो कुंवर पृथ्वी सन्नाटे में आ गए। कुंवर संग्राम का हृदय प्रफुल्लित हो उठा, परंतु मन में शंका के बादल घूमड़ आए। माता, यह कैसे हो सकता है? कुंवर संग्राम सिंह ने अविश्वास के साथ कहा, मेरे अग्रज राज्य के युवराज इस सिंहासन के अधिकारी है। पुत्रों, भविष्य में क्या होगा यह मैं नहीं जानती हूँ। भविष्य वह अंधकूप है जिसमें ध्वस्त परंपरा सी सकती है। वास्तव में भाग्य की प्रबलता राजा को रंग को रंग को राजा बना देती है। कुंवर पृथ्वीराज ने आवेश में आकर आसन छोड़ दिया और क्रोध में कांपने लगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भाग्य को अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करने दूंगा। मेवाड़ का राज सिंहासन मेरा है और इसे मैं किसी अन्य को नहीं हत्याने दूंगा, भले ही वह मेरा भाई ही क्यों न हो। मैं इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध नहीं होने दूंगा। कुंवर पृथ्वी क्रोध के अतिरेक से गरज उठे। अपने प्रतिद्वंदी के रक्त से प्रथम राज्याभिषेक यही होगा। पुजारिन जोर से हंसने लगी। कंस ने भी यही कहा था, परंतु क्या हुआ? कुंवर पृथ्वीराज ने क्रोध में तमतमाकर म्यान से तलवार निकाल ली। संग्राम सिंह भी सतर्क हो गए। उन्हें कुछ ऐसी ही आशंका थी। वे अपने अग्रज से लड़ना नहीं चाहते थे, परंतु इस स्थिति में आत्मरक्षा आवश्यक थी। कुंवर पृथ्वी रक्त भरे नेत्रों और विष बुझे स्वर में गरज उठे, मैं अपने अधिकार की सुरक्षा आज ही करूंगा। मेरी यह तलवार चारणी माता के चरणों में मेरे भविष्य को सुरक्षित कर देगी। यह कहते हुए पृथ्वी ने संग्राम पर तलवार चला दी। संग्राम सिंह सचेत और सजग थे। स्वयं को भूमि पर गिराकर उन्होंने प्रहार बचा लिया और अपनी तलवार निकालकर वीर मुद्रा में आ गए। भ्राताश्री, यदि मेवाड़ के सिंहासन पर मेरा आसीन होना चारणी माता ने आशीर्वाद स्वरूप कहा है, तो मैं इस आशीर्वाद को असत्य न होने दूंगा। दोनों भाइयों की तलवारें एक दूसरे से टकराई तो बिजली सी कड़कने लगी। दोनों ही वीर राजपुत्र थे।
रणकुशल थे और एक ही गुरु के शिष्य थे। तलवार के प्रहार और बचाव की हर विद्या में दोनों पारंगत थे। मेवाड़ का भविष्य तलवार की धार तय करने वाली थी। परस्पर पैंतरों को काटते हुए दोनों मंदिर से बाहर आ गए और खुले में उनका युद्ध कौशल देख सामने खड़ा सूरजमल भी सन्नाटे में आ गया था। यह तो वह जानता था कि मेवाड़ का राजपूती रक्त सदैव ही उग्र तर रहा है, परंतु इस प्रकार का रणकौशल तो उसने कभी नहीं देखा था। दोनों ही जिस चपलता और दक्षता से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे उनमें शीघ्र ही निर्णय की कोई संभावना न थी। एकाएक सूरजमल लगभग चीखता हुआ उन दोनों के बीच कूद पड़ा। कुमारो, सूरजमल ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, ठहरो, रुको और यह मूर्खता बंद करो। काका बीच में न आए। पृथ्वी के स्वरों में तीव्र आवेश था। आज मेवाड़ के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी का निर्णय हो जाने दे। यह निर्णय यदि रक्त बहाकर होना है तो अपनी दोनों तलवारों से मेरे शरीर पर पूरे वेग से प्रहार करो। कम से कम मत तो मेवाड़ के ऋण को चुका सकूं। संग्राम सिंह ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता। मैं इतना कुलघाती नहीं हूं कि सत्ता के लिए अपने सगे भाई का रक्त बहाऊं। मेरे ऊपर पहला प्रहार इन्होंने ही किया है। कुमार पृथ्वी, यह कैसा पागलपन है। मैंने तुम्हें चारणी माता का निर्णय सुनने की राय दी थी और तुम युद्ध के लिए उन्मत हो गए, सूरजमल रुष्टता का प्रदर्शन करते हुए बोला। मुझे चारणी माता का निर्णय स्वीकार नहीं, मैं उनकी भविष्यवाणी को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा जिसमें उन्होंने मेरे अधिकार को इसे देने की बात कही है। पृथ्वी के रक्त भरे नेत्रों ने संग्राम की ओर देखा। मेरी तलवार इस शत्रु को जीवित नहीं रहने देगी। मूर्ख मत बनो कुमार, सूरजमल ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा यह विचार और कर्तव्य अनुचित है। अभी मेवाड़ के राज सिंहासन पर महाराणा रायमल विराजमान है और उनका निर्णय ही सर्वमान्य है। वे जैसा निर्णय लेंगे वैसा ही होगा। काका, मैं फिर कहता हूँ कि मुझे राज सिंहासन का कोई लालच नहीं है। चारणी माता ने भविष्यवाणी अवश्य दी है, परंतु मैं अपने अग्रज का अधिकार छीनने के पक्ष में नहीं हूँ। देखा कुमार पृथ्वी, कुंवर संग्राम ने क्या कहा। अब तुम भी हृदय से द्वेष दूर कर तलवार को म्यान में रख लो। कुछ निर्णय समय स्वयं करता है और समय आने पर ही उचित अनुचित पर विचार करना राजपूत किसान होती है। निर्णय को मान्य अथवा अवमान्य करना उचित समय पर ही शोभा देता है। वैसे भी राज सिंहासन को योग्यता और पराक्रम की आवश्यकता होती है। इसे तुम दोनों में से कौन प्राप्त करता है इसके लिए अभी पर्याप्त समय है, सूरजमल ने दोनों को समझाते हुए कहा। जो अपने कृत और बुद्धि से महाराणा कार्दे जीत लेगा वही मेवाड़ का भावी महाराणा होगा। सूर्य पश्चिम से निकले तो निकले, भूमि और आकाश मिले तो मिले, परंतु मेवाड़ का सिंहासन मेरा है और मेरा ही रहेगा, कुमार पृथ्वी ने अटल प्रतिज्ञा की। जब संकल्प और अधिकार तुम्हारे है तो तुम्हारा प्रण सत्य सिद्ध होगा। कुंवर संग्राम सिंह ने इस विषय में कुछ भी कहना उचित न समझा। इस तरह दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा शांत हुआ। दोस्तों, महाराणा संग्राम सिंह के इतिहास पर बना यह तीसरा भाग आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।